सब्सक्राइब कीजिए ई हिंदी उर्दू चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एंड्रॉइड स्मार्टफोन में गूगल असिस्टेंट का जो रिमाइंडर साउंड रहता है दोस्तों, उसको कैसे चेंज करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो इसके लिए दोस्तों फॉलो कीजिए ईजी और सिंपल मेथड। तो सबसे पहले आप अपना गूगल अप्लीकेशन आपके डिवाइस में ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉटम राइट साइड में मोर, इस पर क्लिक कीजिए और सेटिंग्स ओपन कीजिए। सेटिंग्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों नोटिफिकेशंस को ओपन कीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों योर फीड और उसको ओपन कीजिए और दोस्तों नीचे स्क्रॉल कीजिए और फाइंड आउट कीजिए रिमाइंडर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और उसको ओपन कीजिए और यहाँ से आप इजीली आपके जो गूगल असिस्टेंट का रिमाइंडर साउंड रहता है दोस्तों, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ साउंड्स यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको आपकी खुद का साउंड रखना है तो जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड रूम टून में जाके आप अपना खुद का जो साउंड है दोस्तों रख सकते हैं और जस्ट उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों आप इजीली आपके गूगल असिस्टेंट का रिमाइंडर साउंड को चेंज कर सकते हैं। एक्चुअली वीडियो किसी सब्सक्राइबर के लिए बना रहा था, उम्मीद करता हूँ वीडियो सब्सक्राइबर के लिए वर्क करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसे क्या होगा दोस्तों, हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।